मुसीबत ये है कि देखो ये जो रियलिटी चेक है ये स्टॉक एक्सचेंज गिर गई रियलिटी। एक और रियलिटी गुजरावाला जिसको नूनली का गढ़ कहते हैं, पीपी 70, और यहां पर भी आजाद उम्मीदवार 37,709 वोट लेकर जीत गए हैं। तकरीबन 9,000 का मार्जन है। अमानुल्लाह वड़ाइच मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है 28,874 वोट लिए हैं। गुजरावाला में शायद साहब बहुत मतलब हम बचपन से देखते भी आए हैं सुनते भी आए हैं कि गुजरावाला नूनली का गढ़ है। इस बात के साथ ही गुजरावाला का एक और नतीजा है पीपी जो 70, और ये पीपी 70 के बता रहे हैं नेक्स्ट आने लगा ये है पीपी। आजाद उम्मीदवार 50,000 के करीब वोट लिए, जहांगीर खानजादा मुस्लिम नून के उम्मीदवार। खानजादे के बेटे की शिकस्त जो है ना बड़ी मानी खेल, मैन जो जिसने कुर्बानी दी और वो निशाना बना उस एक्शन का जिसमें उसका पूरा घर गिर गया एंड ही हैज टू पे अ प्राइस। जो रेजिस्टेंस वो दे रहा था ना तरीके तालिबान पाकिस्तान को, दहशत गर्दों को, अगर उसके बेटे के साथ ये हुआ तो खास साहब। लेकिन मसला ये है कि लोगों ने जो जो कुर्बानी की लोगों ने वो पे सोशल मीडिया पे नहीं डाली ना, ये तो सोशल मीडिया का दौर है। आप जो चीज ये अगर ये वही है जिसका मैं वालिद साहब ने एज ए मिनिस्टर अगर ये वही है तो उसकी कुर्बानी तो नोन टू एवरीवन। असल में ये जो ट्रेंड है मैं तो आई डोंट नो इसमें कितने दिन लगेंगे। ननकाना साहब शेखुपुरा, ननकाना साहब सुल्तान बाजवा आजाद उम्मीदवार अगेन, एजाज भट्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अगेन नून लीग का गढ़, एक और नून लीग का गढ़ एक और जगह से ये बड़ी शिकर शायद साहब। लेकिन ये हिमायत याफ्ता नहीं है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के भी नतीजे सामने आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम नून के अहमद सईद जो है ये 53,090 शायद महसूद 47,148। अच्छा ये भी हम मार्जिन देख रहे हैं शायद साहब, जहां पर इंडिपेंडेंट पीछे मार्जिन बड़ा कम है उसमें। हाँ पंजाब में सारा ओवरऑल इसी तरह से कि जहां जहां से पीएमएलएन जीती है वहां बड़ा नैरो मार्जिन है। दूसरी बात यह है कि अभी हमने एक और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा है कि पार्टीज के अगेंस्ट भी लोगों ने रिवोल्ट किया।